हेलो वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे भारत। आप सभी प्यारे दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 13 नवंबर 2024, दिन बुधवार, वेनेसडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बॉब वर्ल्ड बैंकिंग ऐप के माध्यम से अपना पिन जनरेट करना, अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा का जिनका अकाउंट है वो डेबिट कार्ड मंगवाते हैं, डेबिट कार्ड जब उनका आता है तो पिन जनरेट कर सकते हैं। जनरली हमें एटीएम मशीन के प्रस्थान करना होता है, जहाँ एटीएम मशीन होती है वहाँ जाना होता है, पर इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं बॉब वर्ल्ड ऐप उनका होता है, जिन्हें आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है उसमें अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, शुरू में नहीं होता है जब आप बैंकिंग बनाते हैं, या जिन्होंने ऑनलाइन किया है उनका तो हो ही जाता है। बॉब वर्ल्ड में आप बैंकिंग जैसे ही चालू करते हैं तो शुरू में आपको एटीएम कार्ड के लिए क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, वही हम प्रोसेस बताने वाले हैं। तो जिनका बॉब वर्ल्ड बैंक में लॉगिन कर रखे हैं वो अपना यहाँ सबसे पहले बॉब ऐप में चले जाएंगे डेबिट कार्ड के पिन जनरेशन के लिए। सबसे पहले यहाँ पूछता है, जैसा कि ये सब आपको मालूम ही होगा, पिन के लिए आपको यहाँ डालना होगा, आपका जो भी पिन होगा यहाँ डाल लेंगे, 4 अंकों वाला। खुल चुका है, यहाँ आप खुलने के बाद चले जाएंगे, यहाँ नीचे में लिखा हुआ है कार्ड्स, इस पर चले जाएंगे। कार्ड्स में जाने के बाद यहाँ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वेरिएबल लिखा हुआ है, सबसे ऊपर में फील्ड बना हुआ है, यहाँ डेबिट कार्ड को सिलेक्ट रहने देंगे, क्योंकि हम यहाँ डेबिट कार्ड पिन जनरेशन ही बता रहे हैं। जिनको क्रेडिट कार्ड का अगर पिन जनरेशन करना हो क्रेडिट कार्ड का पिन जनरेशन कर सकते हैं घर बैठे ही। यहाँ हम व्यू कार्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे देगा आपका डेबिट कार्ड का पूरा डिटेल्स। यहाँ लिखा हुआ योर करेंट एक्टिवेट चैनल रिशूट वॉलेट बैलेंस, अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड, अप्लाई फॉर डेबिट कार्ड हो चुका है, रिशू और ब्लॉक डेबिट कार्ड। लेकिन यहाँ हमको पिन जनरेशन करना है, तो पिन जनरेशन के लिए आप क्लिक करता होगा अपने डेबिट कार्ड के ऊपर। अब यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ मैनेज सेट पिन, मैनेज टोकन, व्यू वॉलेट बैलेंस, लोड मनी, व्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पिन जनरेशन ही करना है, तो मैं इसी के बारे में ही चर्चा करता हूँ। सेट पिन पे आप लोग क्लिक कर देंगे, सेट पिन पे आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है, जैसा कि हमने कर दिए हैं। इसके पश्चात आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है रेफरेंस आईडी, यहाँ कॉपी कोड आता है, आप यहाँ इसे कॉपी करके डाल सकते हैं या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, वेरीफाई कर लेना है। एंटर न्यू पिन यहाँ लिखा हुआ, प्लीज सेट योर न्यू 4-डिजिट पिन। तो यहाँ आपको 4 अंकों का ही पिन कोड डालना है, उससे कम या ज़्यादा नहीं डालना है। तो आप लोग ऐसा ही करेंगे, अपना पिन डाल देंगे इसमें, कोई भी जो भी आपको पसंद हो। री एंटर न्यू पिन, जो पिन आपने शुरू में डाला है उसी को ही डालना है, 4 अंकों का। डालने के पश्चात आपको यहाँ नीचे में सबमिट पे क्लिक करना है और आपका ट्रांजैक्शन पिन को यहाँ डाल देना है। एंटर ट्रांजैक्शन पिन पूछ रहा है तो यहाँ उसको डाल देना है। अब फिर से करते हैं, कुछ गलत हो गया होगा। इसे डन पे क्लिक कर देना है, आपका पिन जनरेशन हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें साथियों, साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें, साथ ही साथ बेल आइकॉन बटन प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। वीडियो को कमेंट द्वारा अपनी राय भी, अपने
दिन।